सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे के अधिकारियों के साथ अलग अलग समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की स्थापना सरकार की इसी अवधारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 597 करोड़ रुपए की लागत से 2016 में शुरू हुए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों को बेहतर तरीके से संग्रहित करना है, जिसके लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर सिनेमा के रिस्टोरेशन एवं डिजिटाइजेशन का काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भारत के गुमनाम नायकों को भी उनकी पहचान दिलाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच भी है कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने और आगे बढ़ाने का संरक्षण करने को प्राथमिकता देते हैं और फिल्में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ये 2016 में जिस तरह से इसकी लॉन्च की गई, 597 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी और उसमें से भी रिस्टोरेशन के लिए कल ही हमने तय किया है कि 363 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 5,900 से ज़्यादा ऐसी शॉर्ट फिल्म, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सबको जहाँ पे प्रिजर्व करने की बात है वहीं पर रिस्टोर करने की भी बात हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी रिस्टोरेशन की बात की जाए, कंजर्वेशन की बात की जाए, डिजिटलाइजेशन की बात की जाए तो भारत फिल्म आर्काइव्स की कर रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।